बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक एंड दैट इज एंडोस्पर्मिक फैमिलीज। बेसिकली एंडोस्पर्मिक फैमिलीज वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ था। इससे पहले हमने इसकी फर्स्ट फैमिली को डिटेल से डिस्कस किया, आज हम इसकी सेकंड फैमिली डिस्कस करेंगे दैट इज सोलानेसी, नाइट शेड और पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। फिर तो प्रोसीड करते हैं वहाँ से, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें अगर आज के नोट्स की बात करें तो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग और कलरफुल नोट्स मैंने बना दिए। जो शाहकार मेरे आपसे तैयार हो गया ना, तो उसके तो क्या ही कहने, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने को खूबसूरत नोट्स हैं, कलरफुल पिक्चर्स वगैरह ऐड की हुई हैं। क्या होगा इंटरेस्टिंग वे में आप जो है वो सबक को आज समझेंगे, उससे क्या होगा कि एक तो हमारा कलरफुल सा हो गया टॉपिक, मुझे थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ाने में, क्योंकि पिक्चर्स ऐड होना तो इंटरेस्टिंग हो जाती है स्लाइड्स। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और ये है कि हमने इंट्रोडक्शन देखना। अगर हम इस फैमिली के जेनर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जेनर 90 है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो टोटल 2000 नंबर ऑफ स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में इतने नंबर ऑफ जेनर और इतनी स्पीशीज। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नासर एक बंदा था जिसने 1985 में हमें एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि पाकिस्तान में इस फैमिली के, मतलब सोलानेसी फैमिली के 14 जेनरा मौजूद हैं और 52 स्पीशीज मौजूद हैं। ठीक है, नीचे आते पॉइंट वो ये कि अगर हम इनके फीमेल प्लांट्स की बात करें, फीमेल प्लांट्स मैंने पहले भी बताया, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वेल नोन होते हैं, हमें सुने होते हैं, देखे होते हैं, हमारी आंखों के आगे से गुजरे होते हैं, वो फीमेल प्लांट्स मैंने आपके साथ उनकी एग्जाम्पल शेयर करनी, जो कि ये मेंबर्स हैं, कुछ इस फैमिली के मेंबर्स लिए हुए एग्जाम्पल्स भी हैं, साइंटिफिक नेम भी देखेंगे, जनरल नेम्स भी देखेंगे, मैंने पिक्चर भी ऐड कर दी ताकि कॉन्सेप्ट भी पक्के रहें और आपको साइंटिफिक नेम याद करना आसान हो जाए पिक्चर। पोटैटो की बात करें, ये आलू है तो पता ही है, सबको पता है, हर जगह ये इस्तेमाल होता है, इसको ये आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम जो है वो सोलानम ट्यूबरोसम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम टोबाको की बात करें, ये टोबाको जो अक्सर स्मोक की आप कह सकते हैं सोर्स है, स्मोक में इस्तेमाल किया जाता है, सिगरेट में इस्तेमाल होता है, तो नाम है निकोटियाना टबैकम। ठीक है, उसके बाद अगर हम टोमेटो की बात करें, जो ये है खूबसूरत हस्ती आपके साथ शेयर किया, उसका अगर हम साइंटिफिक नाम की बात करें तो उसका साइंटिफिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। उसके बाद अगर हम रेड पेपर की बात करें, ये लाल मिर्च बड़ी चमकदार खूबसूरत नजर आ रही है आपके साथ, इसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैप्सिकम रूटिसेंस इसका साइंटिफिक नेम। तो ये मैंने आपके साथ साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम और डायग्राम शेयर कर दी ताकि आपको ये एग्जाम्पल्स याद करना आसान हो। अगर हम फैमिली सोलानेसी की थोड़े बहुत करेक्टर्स की बात करें तो इनके हमने कुछ वेजिटेटिव करेक्टर्स डिस्कस करने हैं और कुछ जो है इनके हम फ्लोरल करेक्टर्स की बात करेंगे। वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करें ना, कहते हैं कि अगर हम इनकी हैबिट की बात करें, मैंने पीछे बताया कि इनके अपेरेंस कहते हैं कुछ जो है वो हर्ब्स की फॉर्म में होती हैं, कुछ हर्ब्स की फॉर्म में होती हैं, कुछ जो है वो इनके ट्रीज में मौजूद होते हैं, कुछ मेम्बर्स हैं वो वाइन्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, मतलब वाइन्स कहते हैं बेलों की शक्ल में भी। ठीक है, इनके मेंबर्स में डिफरेंट अपेयरेंस रखते हैं ये, इस तरह कुछ हर्ब जड़ी बूटियाँ, कुछ हर्ब्स, कुछ बड़े 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 दरख्त, कुछ बेलों की शक्ल। ठीक, अगर हम इस फैमिली के स्टेम की बात करें तो हेरी होते हैं, इनके स्टेम ना हल्के हल्के बाल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, हेरी धागेदार अपेयरेंस रखने वाले होते हैं, प्रिकल्स, प्रिकली कहते हैं यदि जिसमें स्पाइंस लगे हो, मतलब अगर हम इनके स्टेम की बात करें तो कांटेदार स्टेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद लीव्स की बात करें तो लीव्स की अरेंजमेंट देखते हैं, लीव के अरेंजमेंट की बात करें कुछ तो अल्टरनेट लीव्स होते हैं, अल्टरनेट ये देखें लीव्स की मैंने पोजीशन आपके साथ शेयर की, अल्टरनेट कहते हैं एक लीफ ऊपर तो दूसरा नीचे, तीसरा लीफ ऊपर तो चौथा नीचे, मतलब ऊपर नीचे वाला जो लीव्स अरेंजमेंट उसको अल्टरनेट बोलते हैं, ऑपोजिट, रेयरली ऑपोजिट, ज़्यादातर वो कहते हैं कि अल्टरनेट पोजीशन तरह इनके लिए जो अरेंजमेंट शो करते हैं, लेकिन रेयरली बहुत ही कम चांसेस है कि वो ऑपोजिट हो, मतलब आमने सामने लीव्स लगे, इस तरह की पोजीशन को हम वर्ल्ड की फॉर्म में इस तरह के होते हैं कि एक ही जगह से चार चार पाँच पाँच लीव्स हैं वो निकल रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इसके अलावा थोड़े बहुत लीव्स रिलेटेड पॉइंट देखें तो ये इनके जो लीव्स हैं एक तो वो सिंपल होते हैं, मतलब कि इनमें कोई कंपाउंड लीव नहीं, सिंपल एक पत्ता होता है, जैसे कि आप नजर आ रहे हैं सिंपल एक एक लीफ वाला इनके लीव्स होते हैं, इनका एक एक पत्ता मौजूद होता है। पेट्यूलेट और सेसाइल का जरा कॉन्सेप्ट समझे, पेट्यूलेट का मतलब ऐसे लीव जो कि ये डंडी वाला लीव, ऐसा लीव जो डंडी में से निकल रहा है तो हम पेट्यूलेट लीव बोल रहे हैं, और ऐसा लीव तो सेसाइल बोलते हैं, रेयरली सेसाइल, मतलब मोस्टली पेट्यूलेट लीव्स होते हैं लेकिन मोस्टली के अलावा रेयरली बहुत कम चांसेस है कि वो सेसाइल लीव, सेसाइल लीव देखें तो पिक्चर से आपको समझ आ गई होगी कि पेट्यूलेट लीव्स ऐसे लीव्स होते हैं जिसकी डंडी होती है, मतलब वो लीव जिसकी डंडी होती है उसको पेट्यूलेट लीव बोलते हैं, सेसाइल लीव ऐसे लीव जो बिल्कुल डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच हो, कोई डंडी मौजूद ना हो, कोई पेट्यूल मौजूद ना, इसको ए पेट्यूलेट लीव्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सेसाइल, तो इस तरह के लीव्स होते हैं, मैंने आपके साथ अरेंजमेंट भी शेयर कर दी पेट्यूलेट और नॉन पेट्यूलेट या ए पेट्यूलेट वाले लीव्स की भी मैंने डिफरेंस बता दिया। अब हमने इस स्लाइड में फैमिली सोलानेसी के कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्कस, पहला पॉइंट देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कहते हैं फ्लावर्स की अरेंजमेंट, अगर फैमिली सोलानेसी की बात करें तो फ्लावर्स डिफरेंट फ्लोरल अरेंजमेंट शेयर करते होंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि हमने इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स की देखनी है फ्लावर अरेंजमेंट। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो मैं डिटेल इसकी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अरेंजमेंट भी शेयर कर दी थी, मैंने डायग्राम भी शेयर कर दी थी पहले लेक्चर में, इसीलिए मैंने डिटेल से चीज़ें शेयर की। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो फैमिली की अरेंजमेंट होती है इनफ्लोरेसेंस, मैंने आपके साथ डायग्रामेटिकली भी शेयर कर दी ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि इनकी अरेंजमेंट होती किस तरह की है। पॉइंट्स की शक्ल में देख लेते हैं, एक्जिलरी कायम होती है, साइमस होती है, कुछ की हेलिकॉइड होती है, कुछ जो है वो एक्जिलरी अम्बिलेट साइमस होती है। फ्लावर की तरफ आते हैं, फ्लावर की बात करें तो फ्लावर है वो बाईसेक्शुअल,
मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हो, तो इनका फ्लावर ऐसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब अगर हम फ्लावर को कट करें इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो इक्वली डिवाइड हो जाए। लेट सपोज के नंबर ऑफ पेटल्स की बात करें तो दो दो ही हर हाफ में आ जाए, या आप कह सकते हैं चार चार हर जो है वो पोर्शन में आ जाए। तो एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं इक्वली फ्लावर जो है वो उसके स्ट्रक्चर डिवाइड कर रहा है। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक है, हाइपोगाइमनस है, मैंने आपको बता दिया ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंगली इसको कहते हैं। पेंटामेरस बोल दिया मैंने आपके साथ पहले भी, तमाम टर्म्स जो हम डिस्कस की हुई है इसकी फर्दर डिटेल देखने की जरूरत नहीं, पहला लेक्चर आपने ध्यान से देखना है। केलक्स की बात करें तो फाइव इनमें जो है वो सेपल्स होती है, क्रोला पेटल्स को बोलते हैं फाइव ही नंबर ऑफ पेटल्स होती है। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में फाइव स्टैमन आ जाते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो इनके अंदर दो कार्पल्स आपस में जुनाइट करते हैं, यही वजह है इनकी जो अगर हम ओवरी की बात करें तो सुपीरियर होती है और बाइलोकुलर होती है। ये मैंने आपके साथ ओवरी का स्ट्रक्चर शेयर किया, अगर हम ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का होता है कि ये लग रहा होता है कि ओवरी जो है वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, ये वजह कि हम इसको बाइलोकुलर बोलते हैं। ये देख रहे हैं ओवरी है पूरी, उसमें जो है वो लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ जो इक्वली हाफ होता है, हाफ में डिवाइड होता है। प्लेसेंटेशन की बात करें तो एक्जाइल होती है, मैंने पीछे भी आपको बताया जो एक्जाइल पोजीशन। इनकी इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिकली देखते हैं कि ये जो फैमिली के मेंबर्स हैं इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो इस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, एक तो हम उनसे ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, फूड रिसोर्सेज हैं आपको पता है, जैसे हमने पीछे भी पोटैटो जो है बहुत इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंट्स डिफरेंट प्लांट जो है वो हम खूबसूरती के तौर पर लगाते हैं, तो ये भी इनके एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एक वो साइंटिफिक नेम बता रहे हैं जिसको पोटैटो बोलते हैं, सोलैनम ट्यूबरोसम कहते हैं, वाइट पोटैटो जिसको बोलते हैं। ये आयरलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट फूड सोर्स माना जाता है, इवन हमने पीछे भी डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि इवन एक बार कहत आ गया था जिसमें कि आलूओं की फसल ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे, ये वहाँ की बहुत मेन सोर्स है, ये इकोनॉमिकली कितना इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर बात करें तो आपको पता है लोग जो है वो पीपल जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं पोटैटोज पे। अब देखिए मैं आपको सब फनी वे में एक चीज़ शेयर करती हूँ, आलू है, आलू की बात करें ना पोटैटो, आलू देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। आलू बेसिकली इसी फैमिली का मेंबर है ना, तो सोलानम ट्यूबरोसम की बात करें, आलू अब अम्मा खाना बनाती है, आलू गाजर, आलू बैंगन, आलू शिमला, हर जगह आलू, हर जगह आलू, इवन चावलों में भी आलू। तो आलू जो है वो इतना फ्रेंडली वेजिटेबल माना जाता है कि जो हर एक के साथ मिक्सअप हो जाता है, दोस्ताना माहौल रखता है, दोस्ताना नेचर वाला होता है पोटैटोज, तो ये अंदाज़ा लगाएं कितने इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं जी टमाटो, टमाटो की भी हमने बात की, आपको पता है वेजिटेटिव वेजिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि हम वेजिटेबल के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, टमाटो के बगैर तो आप कह सकते सब्जी ही नहीं पकती है, या आप कह सकते हैं फ्लेवर नहीं आता, तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लेवर सोर्स है हमारे फूड का। उसके बाद अगर हम प्रिंजल कहते हैं बैंगन को, बैंगन की बात करें तो जी एग प्लांट भी उसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर हम बैंगन की बात करें तो ये भी फूड सोर्स है, और ये जो बैंगन है ये भी मेंबर है फैमिली सोलानेसी की। फिर मैं बैंगन की बात करें, किसी को तो पसंद है लेकिन मुझे नहीं पसंद, अम्मा यही को बहुत पसंद है, बल्कि सबकी सभी की अम्माओं को बहुत पसंद है, जब पूछ लो क्या बना बैंगन, बना बैंगन बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सोर्स है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट की बात करें, आपको पता है डिफरेंट फ्रूट्स में से जैसे वो कह रहे थे रेड पेपर, जैसे हमने पीछे लाल मिर्च देखा, वो विटामिन सी और ए का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद ग्राउंड चेरी, ये ग्राउंड चेरी मैंने आपके साथ शेयर की, ये ईडेबल फ्रूट है, फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल होते। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो एक मेंबर है जिसको हमने बोला था निकोटियाना टबैकम, जिसको हमने तंबाकू बोला था, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिगरेट में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तो सिगरेट के बगैर रहते नहीं है, नशा लगा होता लोगों को, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है इकोनॉमिकली, लेकिन मैं इसको ज़रा इतना अच्छा इंपॉर्टेंस नहीं बोल सकती कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि नहीं यूज़ करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन सम हाउ ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिगरेट पीते हैं उनमें जो निकोटीन होता है, जो तंबाकू होता है, वो जो है वो फैमिली सोलानेसी से ही एक मेंबर जो है वो तंबाकू उससे इस्तेमाल। ड्रग की बात करें तो आपको पता है इन मेंबर से हम डिफरेंट दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल, जैसा कि एक आपके साथ वो कह रहे हैं कि इनके काफ़ी सारे मेंबर्स के पास ना पावरफुल अल्कलॉइड्स होते हैं, अल्कलॉइड्स मौजूद होते हैं, जैसा कि अब एग्जांपल दे रहे हैं कि जो एट्रोपा बेलाडोना, उसके पास क्या उनके अंदर एट्रोपाइन मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होता है एट्रोपाइन, एट्रोपा से आपने एट्रोपाइन और डेटूरा से आपने डेटूराइन ले लेना माइंड में हिंट, ठीक है, तो एट्रोपा से एट्रोराइन और डेटूरा से डेटूरिन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेडिकली इंपॉर्टेंट है, हम दवाइयों में इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम फैमिली सोलानेसी की एक और इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, ये जो प्लांट्स होते हैं इसको हम खूबसूरती के लिहाज से हम डिफरेंट जगह इसको लगाते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ इसमें एग्जाम्पल आ जाती हैं, मैंने आपके साथ डिफरेंट जिस तरह नेम लिखे होते हैं उसी तरह मैंने आपके साथ डायग्राम शेयर किया। पेट्यूना इस तरह का फ्लावर होता है, ये भी आपको पता खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, इस तरह का मेंबर होता है। कैस्ट्रोरम इस तरह का होता है, उसके बाद सोलैनम इस तरह का फ्लावर होता है, तो ये जो है ना ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं जो कि इस फैमिली के मेंबर्स माने जाते हैं, और ये आपको पता है इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर।
दिस इज इट, यही तो मैं आज के लेक्चर जिसमें मैंने फैमिली सोलन इसी को डिटेल से डिस्कस किया। मजीद इससे रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन, स्टे कनेक्टेड। हाँ, फिर